आइए बच्चों, हम क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट में चलते हैं और यहाँ पर जो लिखा है देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होगा बच्चों, वो टू एंगल्स ठीक है जिनको प्लस करने पे 180 डिग्री है, उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब इसमें लिखा एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि इसमें एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है, और जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है। तो फाइंड द, हमको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको शुरू कर देते हैं सोल्व। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। हम इसमें एक लार्जर एंगल मान लेते हैं, एक स्मॉलर एंगल मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री का, एक्स डिग्री का मान लेते हैं। ठीक है, और स्मॉलर एंगल ये स्मॉलर एंगल सॉरी एंगल इक्वल टू वाई डिग्री का मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें कहा क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब लार्जर एंगल प्लस स्मॉलर एंगल इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, इक्वेशन वन। ठीक है बच्चों, अच्छा इन सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में क्या कहता है, सेकेंड केस में देखिए, मैं यहां पर दो एंगल ले लेता हूं, इक्वल और ये दूसरा एंगल। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख लिया है। अब बच्चों ये लार्जर एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर एंगल से 18 एक्सीड है, एक्सीड का मतलब 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, ये एंगल जो लार्जर एंगल है ये ज्यादा है। अगर मुझे इक्वल बनाने हो तो मैं फिर क्या करूंगा, इसमें स्मॉलर एंगल में 18 प्लस कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये इक्वेशन के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये 18 डिग्री एक्सीड था यानी ज्यादा था, तो मैंने इक्वल बनाने के लिए क्या किया, स्मॉलर एंगल में 18 को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की देखिए, एक्स की वैल्यू आ गई है डायरेक्ट एक तरीके से, तो इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन वन में रखना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन वन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इक्वेशन वन में रख देते हैं, जहां पर एक्स लिखा है ना वहां पर एक्स की वैल्यू रखनी है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं वाई प्लस 18, ठीक है, प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने। अब 1y और 1y कितने y हो गए, 2y, ये 18 इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे y देखिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 2, 7 में से 1 6, 1 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, और 2 से इसको हम काट देते, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री आ गई। अब y की वैल्यू को आपके इक्वेशन 2 में रख दीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन यहां पर। ठीक है बच्चों, आप देखिए x इक्वल y, y की जगह ये देखिए y लिखा ना यहां पर y, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू को लिख देंगे 81 प्लस 18 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करते हैं देखते हैं क्या आता है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ठीक है 99 डिग्री आ गया। तो दोनों एंगल अगर मैं दोबारा यहां पर लिखना चाहूं तो x की वैल्यू आई है 99 डिग्री और y की वैल्यू आई है 81 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि ये आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को सिखाएं। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।